दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है रेलवे अप्रेंटिसशिप को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिसशिप के द्वारा आरटीआई लगाया गया था जीएम पावर को लेकर के। जीएम पावर से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उन सभी को लेकर के रेलवे अप्रेंटिसशिप के द्वारा आरटीआई लगाया गया था। आरटीआई यह लगाया गया था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह आरटीआई लगाया गया था कि जीएम पावर क्यों बंद किया गया है। यह पहला प्रश्न पूछा गया था आरटीआई के माध्यम से, जैसे देख सकते हैं। और इसमें मंत्रालय का प्रतिक्रिया आया है, मंत्रालय का जवाब आया है इस आरटीआई का। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न यह पूछा गया था कि जीएम पावर क्यों बंद किया गया है, इसके बारे में हमके जानकारी दीजिए। और दूसरा प्रश्न यह आरटीआई से पूछा गया था कि जीएम पावर की जब मांग हम लोग रखते हैं तो अधिकारी यह बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जीएम पावर लागू नहीं होगा, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यह अधिकारी के द्वारा बोला जाता है। और दोस्तों तीसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या रेलवे बोर्ड जीएम पावर के अलावा क्या अप्रेंटिसशिप के लिए फिर से कोई नया नीति निर्माण कर रहा है, अर्थात जी रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए क्या रेलवे बोर्ड नीति नया पॉलिसी बना रही है, इसको लेकर के भी अप्रेंटिसशिप के द्वारा यह तीन सवाल पूछा गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। तो दोस्तों रेलवे के द्वारा आरटीआई का यह जवाब दिया गया है। तो आप इस आरटीआई में आपको हम दिखाते हैं, देखिए दोस्तों इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि जीएम पावर किस लिए बंद किया गया था। तो रेलवे के द्वारा इसमें यह जवाब दिया गया है कि आप देख सकते हैं इसमें मांगे गए प्रश्न कि यह प्रकृति के है और आरटीआई अधिनियम 2005 के धारा 2 के अनुसार सूचना की परिभाषा के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थात तो अप्रेंटिसशिप के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था कि जीएम पावर किस लिए बंद हुआ, तो यह रेलवे के द्वारा यह बताया जा रहा है कि 2005 के धारा 2 के अनुसार यह सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थात इस प्रश्न पे रेलवे अपना पल्ला झाड़ लिया है और इस प्रश्न को इस प्रकार के जवाब दे करके यह बता दिया है कि यह आरटीआई सूचना के अंतर्गत नहीं आता है 2005 के धारा के अनुसार। और दोस्तों दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि जीएम पावर जब मांग करते हैं तो अधिकारी ऐसा बोलता है कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, तो उसका जो आदेश है उसको हम लोग हमको बताइए कि किस प्रकार के आदेश है। तो दोस्तों इसमें रेलवे के द्वारा यह बताया गया, अब देख सकते हैं कि इसमें एक लंबा चौड़ा एक जवाब दिया गया। यशवंत सिंह की अदालत में फैसला सुनाया गया, अपील का कर्ता कार्रवाई की प्रकृति के अनुसार गुणवत्ता के बारे में सवाल पूछने के स्वतंत्र नहीं है। आरटीआई अधिनियम सार्वजनिक अधिकरण पर प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई दायित्व नहीं डालता है, जैसा कि मामले में होता है जिसे एक याचिकाकर्ता को जैसे उपसर्गों के साथ प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों इसमें भी रेलवे के द्वारा यह बताया गया है कि इस पर भी आरटीआई जवाब नहीं दिया गया है। रेलवे इसमें यह भी बताता है कि यह भी आरटीआई अधिनियम से बाहर की बात है, तो इस पर भी रेलवे के द्वारा इस पर भी जवाब नहीं दिया गया है। इसमें भी एक जवाब दे करके अपना पल्ला झाड़ लिया है। और इसमें तीसरा प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या रेलवे बोर्ड अधिनियम 1901 के तहत क्या जीएम पावर के अलावा क्या अप्रेंटिसशिप के लिए कोई नया नीति निर्माण फिर से कर सकती है, क्या नया जो सीसीए के लिए पॉलिसी है वह नया पॉलिसी क्या रेलवे बना सकती है, इसके बारे में भी इस सीसीए के द्वारा सवाल किया गया था। तो रेलवे का जवाब इसमें देखिए कि हालांकि आपको सूचित किया जाता है, प्रशासनिक आवश्यकताओं को महाप्रबंधक की शक्ति के ग्रुप डी में स्थापना के रूप में पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम परीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है, यह जवाब इसमें दिया गया। और यह बताया गया कि जो जीएम पावर है उसको ख़त्म कर दिया गया और रेलवे बोर्ड के द्वारा सीसीए को 20% का रिजर्वेशन दिया गया, यह बात इसमें दोस्तों बताया गया, आप देख सकते हैं। और इसमें दिया गया है इस बात को।
और दोस्तों और बोर्ड पत्र दिनांक द्वारा जीएम पापड़ वापस ले लिया और 2017 उपलब्ध से 20% का रिजर्वेशन सीसीए वाले को दिया गया। तो दोस्तों यही आरटीआई के जवाब में रेलवे के द्वारा इस तीन प्रश्न का जवाब जो आरटीआई लगाया गया था उस आरटीआई के माध्यम से इसमें दिया गया है, रेलवे के इस आरटीआई के जवाब है। दोस्तों इसमें आप इसका सारांश देखें, आप इसका कुल मिलाकर देखें तो जो भी प्रश्न आरटीआई के द्वारा पूछा गया है और मंत्रालय के द्वारा जो भी जवाब दिया गया है, यह जवाब से कोई भी एक ठोस निर्णय नहीं निकलता है कि क्या जीएम पावर क्यों बंद हुआ, अप्रेंटिस सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाइए जीएम पावर जो बंद हुआ उसका, और क्या रेलवे बोर्ड सीसीए के लिए नया पॉलिसी बना रही है। तो इसके बारे में भी रेलवे के द्वारा कोई भी उचित जवाब जो अच्छी तरह से समझ में आए उस प्रकार के जवाब इसमें नहीं दिया गया है, और एक भी जवाब हमको भी ठीक नहीं लगा, और अप्रेंटिसशिप को भी इस जवाब से कोई भी अप्रेंटिसशिप संतुष्ट नहीं है। जैसे कि यह सभी जवाब आप देख सकते हैं कि जीएम पावर के यह भी सूचना के अंतर्गत नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है यह भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है, और नया पॉलिसी के बारे में जब पूछा गया तो इसमें भी बताया गया है कि यह महाप्रबंधक की शक्तियों को हटाकर 20% का रिजर्वेशन दिया गया है और बोर्ड की संख्या इतना इतना के अनुसार, तो कोई भी जवाब से इसमें संतुष्ट नहीं है आरटीआई जीएम पावर को लेकर के। खैर दोस्तों इसमें महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि अप्रेंटिस के लिए रेलवे बोर्ड में नया पॉलिसी का निर्माण हो रहा है, नया पॉलिसी बनाया जा रहा है, उस पॉलिसी को अभी गुप्त रखा गया है, बहुत जल्द जब पॉलिसी का निर्माण हो जाएगा तो सभी को अप्रेंटिसशिप को या इसके बारे में पॉलिसी के बारे में बता दिया जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहें, ज़रूर पॉलिसी तो अवश्य बनाया जा रहा है, क्योंकि रेलवे बोर्ड के साथ जब मीटिंग हुआ महामंत्री जी का तो इस बात को स्पष्ट रूप से बताया है। जब अप्रेंटिसशिप प्रोटेस्ट करने रेल भवन गए थे तो वहाँ के भी रेलवे बोर्ड के अधिकारी के द्वारा बताया कि नया पॉलिसी का निर्माण हो रहा है अप्रेंटिसशिप के लिए। भाटे आरटीआई में कुछ उचित जवाब इसमें नहीं दिया गया है इस विषय को लेकर के दोस्तों, लेकिन नया पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं आरटीआई के जवाब आया है। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे, मैं पल पल की अपडेट आरटीआई और अप्रेंटिसशिप से संबंधित सारा अपडेट मैं बताता रहता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।